मास्टर जी। अरे अच्छा, हमें पूछना था, हमारी यूनिफॉर्म्स रेडी हैं? सब तैयार है, आपके घर पहुंच जाएगी। घर? मास्टर जी, मास्टर जी बड़ा दुख होता ये देखकर कि इस उम्र में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या करें बिटिया, काम है तो करना ही पड़ता है ना। ए मास्टर जी, आप इतना काम क्यों कर रहे हो? दीजिए ये यूनिफॉर्म, हम ले जाते हैं अपनी भी, और हमारे कलीग है शिवम, वो बंटी के घर के पास रहता है, उसकी यूनिफॉर्म भी हम ले जाते हैं, दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करती हैं? इसमें तकलीफ कैसी मास्टर जी, हमारा ऑफिस का कलीग है, बंटी के घर के पास रहता है, तो हम ले जाएंगे। और मास्टर जी, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल, ये तेरे कपड़े। थैंक यू मास्टर जी। ये हो गया। शिवम, अरे इसमें तो सिर्फ लाल चौक लिखा है, तुम लोग कहाँ ढूंढते फिरोगी? मास्टर जी, हमें उसका घर पता है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पक्का? हाँ हाँ पक्का मास्टर जी। वैसे भी इंसान इंसान की मदद करेगा तो कौन करेगा जी। थैंक यू। चल चल चल, ये पकड़, रख नीचे। क्या करूं इसे पकड़ के? इसमें से निकाल, बंटी यूनिफॉर्म निकाल। क्या है? अरे निकाल ना। यूनिफॉर्म क्यों निकालूं? इसमें डाल, डाल ना जल्दी। समझ डाल, तू ना टू गुड है, रख ऊपर। ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि शिवम की नजर यूनिफॉर्म से पहले इस रोज पे जाए। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड, आई नो दैट। ये ले, अब ये लाल गुलाब वाला यूनिफॉर्म का पैकेट शिवम को डिलीवर कर दे। और तू फिट है, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। चल मुझे कॉल करना, मैं वेट कर रही हूँ। मैं बताती हूँ। बाय बाय, जा चलते। अच्छे से चेक कर लीजिएगा लाइट्स और पीछे की तरफ भी, और ध्यान रखना कोई भी लड़ी फ्यूज ना हो। पंडित जी, हम क्या कह रहे थे, वो हमार बिटिया की जिंदगी में बहुत कष्ट है, कछु ऐसी पूजा करो कि सब दुख दूर ही दूर से मुंह ताकते रहो का। सब ठीक हो जाएगा माँ जी। ऐसा ना हो बस उनके दुख कम हो जाए और हमारे बढ़ जाए। निमि दादी। अम्मा, यो आ गए। संग, तू मरवाएगी कभी? सजावट तो बहुत अच्छी है। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। अरे वाह, क्या बात। चलो चलो, खुश रहो। थैंक यू थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अरे मांग ले आशीर्वाद कि तू भी अपने भाई की तरह बन सके। अब दो महान लोग एक ही घर में कैसे रह सकते? आप जैसे नहीं बने तो बेहतर है। अच्छा चलो, पूजा पूजा पूजा, आजा चलो, आजा बच्चे, बैठे तू, बैठ बैठ। ओम श्री पवित्र। अरे शादी की पूजा नहीं ना, जन्मदिन की है। हैप्पी दामाद बाबू। कभी कभी नहीं नहीं, तू कर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। बिटिया रानी की आरती उतार। बैठ बैठ बैठ, इधर दे। अरे अरे खुश रहे खुश रहे। माँ जी, अब ये पूजा संपन्न हुई। चलो। अरे माँ जी, हमारी दक्षिणा तो देते जाइए। उम्र हो गई ना, थोड़ा भूल जाते हैं। ये पूरे 21 रुपए। माँ जी,
आपकी बिटिया की सुख शांति के लिए हमने अलग से श्लोक पढ़े हैं, पूरे 101 रुपए लेंगे। हमने तो ना ही सुने अलग से श्लोक। अच्छा चलो, बिटिया का जन्मदिन है तो दे देते हैं। ले पकड़, चल चलो 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 बैठो। हैं बुरा देखेगी का छोटी रानी। जाती ना बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सबको सिखाना पड़ता है बेचारी को। देखे तो है क्या ये का है। अरे बिट्टू हमारे घर के दरवाजे में तो कुंडी ही नहीं है, तो हम कौन सी चाबी लटकाएंगे इसमें? नहीं ऐसा करेंगे अम्मा, हम अपने मुंह पे जो ताला लगाएंगे ना उसी की चाबी लटका देंगे। चल चल ऐसे काहे बोल रही है। और ये देख हमारे भाई का लाया है रघुआ की तरफ से। रघुआ दे। अरे अम्मा हम दे तुम दो, एक ही बात दो तुम दो ना। चल हम कैसे दे दो अम्मा, खुशियाँ देगी काहे नहीं। ना चल तर हम दे देते इन्हें रघुआ की तरफ से। ओहो अम्मा का जरूरत थी, इतना तो दे दिए हो। दिए हो खुशियाँ। हाँ अच्छी है अम्मा साड़ी, अच्छी नहीं लटकाते खुशी के दिन पे। ले पूरे 5,000 दिए हैं रघुआ ने। भी देख 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 देख। अरे चक्कर तक ये तुम्हें दे दिए। अच्छा नहीं पूछ रहे हैं एक और साड़ी मुका अचका रही है। ये तो बिट्टो रानी ने डिजाइन की है, कितनी अच्छी है, है? अच्छा ये कुसिया की तरफ से प्लास्टिक की ट्रे है, है? ये तो घर पे खोल लेना। हाँ ये हमारी तरफ से। कहाँ है इसमें? सोने का सेट, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कान के बाले दिए थे, एकदम ही एक डिजाइन है। कितनी अच्छी हो तुम अम्मा। सोने का सेट, सोने का सेट नहीं, हमारे पास उतने पैसे कहाँ कि हमारी बिटिया को सोने का जेवर दे। सारे पैसे तो तुम्हारी अम्मा ले लेते हैं। ये तो आजकल कहाँ है लगभग कहाँ चला है? सोने का पानी चलाया हुआ है। अब सब यहाँ डटे रहोगे का, मुंह मीठा नहीं कराएंगे। 2 मिनट चलो लड़कियां हमारे साथ चलो चलो। दामाद बाबू आपने कहा दिया हमारी बिटिया को साड़ी दी है ना? साड़ी नायलॉन की और का, 4 ठो हो गई है किसके सामग्री समेट ले है बुलेट राजा। जा चला जा। वो काहे लटका रही हो? सोने का है। क्यों अम्मा? हमारा मन रखने के लिए बोल रही हो ना? वारी जन्मदिन पर झूठे जेवर देंगे, गंगा जी में डूब के मर न जाए। माँ क्या लेकर जाए? सब कुछ ये पकड़ो। पकड़ जाओ ये पकड़, ये बाद में ले जाते हैं। दही बड़े लेके जाएगी पहले, सबसे पहले। प्रीतिया सबको देना, बाद में खाना तुम भी। अरे आज क्या नया बनाया है और साथ साथ कैसे बनाया है ये भी बताइए। कुछ भी भैया कुछ खास नहीं, बस हमने ये सीरा है लेकिन इस सीरा में थोड़ा सा कद्दू मिला दिए हम। वाह क्या बात है। और खीर बनाई है, शक्कर डालना कम कर दिए है, सबको शक्कर की बीमारी हो गई। नाराज है का? चेहरा उतरा हुआ है।
नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं कुछ हो गया क्या बाहर? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। तो बताइए ना। अरे भैया हम जानते हैं आपको बहुत सालों से। ए, बस हम इतना ही सोच रहे थे। सब कूद जाओ जल्दी। हाथ चला ना मिता। एक काम करो सारी प्लेटें लेकर जाओ वहाँ। चलो हाँ समोसे बाहर वहीं डाल देना। आराम से आराम से। हाँ बेटा गिराना मत कुछ भी। सारी मेहनत बर्बाद नहीं तो। क्या हुआ? नहीं बस यही सोच रहे थे कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए। वाह घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। हम सोने की बाली भी गिफ्ट नहीं कर पाए सरला को। बस ये चांदी की पाजे भी ला पाए। ये बात बहुत खूबसूरत है। ये तो बहुत अच्छी है। खुश हो जाएगी? नहीं और सरला सोच रही थी कि आज अम्मा सोने की बाली देगी पर यहाँ भी दिल टूट गया उसका। आज सरला का उतरा हुआ चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगा। हम भी क्या करें, कोशिश तो बहुत करते हैं कि सब खुश हो, कोई ना कोई कमी रह जाती है। सबसे धनी वो है भैया जो संतुष्ट हो। बस यही कमी रह गई शायद हम में, कि हम में संतुष्टि है उनमें नहीं। जाने दीजिए।